इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। खबर के सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। बंधुवर, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। 2018 से बेग साहब के नेतृत्व में, पूर्व एसपी के नेतृत्व में जब ये प्रोजेक्ट नईकरण का आगाज ललितपुर में हुआ, तब से और आज तक कंटिन्यू हम लोग हर रविवार को अपने घर परिवार की सब व्यवस्थाओं को छोड़कर केवल एक जो बिखरे हुए परिवार हैं उन्हें एक करने में कैसे भी कैसे हो जो एक हो जाएं, उस प्रयास को हम लोग निरंतर कर रहे हैं। और 2018 से लेकर अभी तक कम से हम लोगों ने 2 से 3 हज़ार केस की स्टडी किया और हमारी जो पूरी टीम थी उन लोगों ने सब लोग को मिलकर और कम से कम इसमें हम लोगों के करीब 1 से 1250 हम लोगों ने केसों का सॉल्व किया था और वो परिवार थे आज वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। और इसके बीच में हम लोगों ने एक काफ़ी बड़ा एक कार्यक्रम भी रखा था कि जिसमें सब परिवारों को एक साथ बुलाया था और उनके लिए सम्मानित भी किया था। और जो कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी मामूली सी पता चला जिनका 1 या 2 महीने पहले शादी हुई और वो भी उनके आपस में विरोध हो जाता था, इसमें कुछ जो बड़ी एक वो रही, कुछ एक मोबाइल भी रहा, कुछ एक जो घर के परिवार के जो माँ बाप हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा विरोधाभास हो गया, उससे कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई, जो भी कुछ पता चला। एक तो केस आया था उसमें बहुत एक मामूली सी बात थी कि हमारी मनपसंद की सब्ज़ी नहीं बनाती हैं, मतलब ये छोटी छोटी समस्याएं थी कि जिसको पता चला कि यदि अपन लोग इसके माध्यम से जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट नेकरण के माध्यम से उसको सॉल्व करना चाह किया तो बहुत इजी हो गए। और यही है कि जब कोर्ट में पहुँचते तो एक लंबी प्रोसेस रहती है, लंबी प्रक्रिया रहती है, उसकी वजह से जो दो परिवार रहते हैं उनकी जो उम्र रहती है वो भी निकल जाती है और एक साथ दोनों इकट्ठे भी नहीं हो पाते हैं। ऐसा हमारा प्रोजेक्ट नईकरण में हमारे जो माननीय सभी तरह के जो ललितपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध हमारे डिग्री कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल रहे वो भी हैं और यहाँ के मनोचिकित्सक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, एक वकील भी हैं और इन सब के सहयोग से हम लोग इस चीज़ को निरंतर इस कार्य को प्रगति दिए हुए और हम लोगों निःशुल्क है यहाँ कहीं किसी तरह का पूर्ण सम्मान के साथ जो दोनों पक्ष रहते हैं उन पूर्ण सम्मान के साथ उनको बैठा कर इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। और उनकी सर कहाँ से शुरू होती है प्रक्रिया? इसके लिए प्रतिक्रिया के लिए कोई ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड केस वो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट नईकरण के नाम एक एप्लीकेशन देना पड़ती है माननीय एसपी जी पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से, या हमारा जो एक अलग से विंग है प्रोजेक्ट नईकरण उस पर भी आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसको फॉरवर्ड किया जाता है। और यही हम लोगों ने प्रत्येक ललितपुर के जो थाने हैं माननीय पुलिस अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में उन थानों में भी यदि कहीं किसी पारिवारिक तरह का कलह आता है तो वो यहाँ पे ललितपुर के लिए फॉरवर्ड करते और यहाँ पे हम लोगों के लिए उसके जो अगले शनिवार इतवार के लिए शनिवार में दोनों पक्षों को कॉल किया जाता है, जहाँ जब दोनों पक्ष मोबाइल के थ्रू नहीं आते तो उनके लिए नोटिस भी भेजा जाता है और दोनों पक्षों को बैठा कर यहाँ पर उनकी आम सहमति बनाई जाती है। अब इसके लिए तो आपको इसी बता दें कि यदि आप एक बार यदि हम लोग के इस कार्यक्रम में आ जाएँ तो आप भी परेशान हो जाएंगे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं उन लोग के लिए, क्योंकि दूसरे की बहुत मामूली सी भी गलती के बाद उन लोगों में जो आपसी इतना ज़बरदस्त मनमुटाव हो जाता है कि उसमें ऐसा लगता है कि शायद हमें लगता है ये लोग एक दूसरे के साथ कभी रहने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन जब उनके लिए दोनों पक्षों को एक साथ बैठा कर फिर इसके बाद अलग अलग बैठा कर उनके परिवार को बुलाकर जब उनके लिए एक गाइड करते हैं ना, तो उस गाइड करने के बाद निश्चित तौर पर वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग 1 हफ्ते बाद फिर उनके लिए बुलाते हैं कि वेल बींग के लिए कि मतलब ये लोग अच्छे से रह रहे कि नहीं रह रहे। और इसमें हमें पूरा पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं, सीओ है, पूरे इंस्पेक्टर्स हैं, पूरे जो इतने हमारे भी साथी हैं सब लोग का पूरा सहयोग मिलता है। नेचुरली आज तो आपको एक चीज़ बता दें, प्रोजेक्ट नईकरण हमारे पूरे प्रदेश में जो हमारे DIG IG वगैरह भी रहे उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। हम लोग अपने परिवार को जो समय देना चाहिए इतवार का वो परिवार को समय नहीं देते हुए केवल इस मानव सेवा में लगे हुए हैं कि कैसे ये जो बिखरे परिवार है वो एक साथ हो सकें। और इसमें जब सफलता मिलती है तो और ज़्यादा खुशी होती है। निश्चित तौर पर ये तो फैक्ट है कि मतलब एक बहुत बड़ा एक अपने आप को आत्मिक शांति मिलती है कि हमने किसी परिवार को जोड़ा है। और प्रयास भी यही रहता है कि कहीं भी किसी भी तरह से कितनी भी क्रिटिकल भी स्थिति हो
कोर्ट केस भी होते हैं, कोर्ट केस के बाद भी उनके लिए हम लोग यहाँ सामंजस्य करते हैं, और अगली तारीखों पर जब उनकी सहमति बन जाती है एक साथ रहने को, तो उनके कोर्ट केस भी वापस कराने का प्रयास किया है। तो आत्मिक शांति का तो कोई इसमें कोई शब्द ही नहीं है, पूरा हमारे ललितपुर भी अप्रिशिएट करता है हम लोग के लिए, और सभी लोग हमें जहाँ भी जाते हैं तो एक एक इतनी आनंद की अनुभूति होती है जब सब लोग कहते हैं प्रोजेक्ट नयीकरण टीम के सदस्य हैं। प्रोजेक्ट नयीकरण के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई छोटी सी भी यदि किसी तरह का कोई आपसी पारिवारिक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, आप तुरंत सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि आप तुरंत अपने जो भी पक्ष है उस पक्ष को लेकर आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को दें, या हमारा जो प्रोजेक्ट नयीकरण विंग अलग से बना हुआ है पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में ऊपर, उनके जो हमारे सहयोगी कांस्टेबल्स रहती हैं उनके लिए दें, या महिला पुलिस को आप दीजिए, जिससे कि उसका अगली तारीख में उसका निस्तारण किया जा सके, और उनके लिए कहीं किसी तरह का कोई दबाव या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है, ना यहाँ पे किसी तरह का कोई पैसा लिया जाता है। सम्मान के साथ दोनों पक्षों को बैठा के परिवार को जोड़ने का काम किया जाता है। मैं अपील करता हूँ कि जब भी किसी तरह की कोई ऐसी समस्या है तो तुरंत आप अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट नयीकरण समाधान के पर उपलब्ध हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.